जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 22934 जयपुर बेंडर टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में वाया स्वाई मधोपुर कोटा जंक्शन। इसके अलावा ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप। तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 12:40 और हम आ चुके हैं द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, यानी जयपुर के जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बिल्कुल सामने ही आप देख सकते हैं हमारे जो है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और सामने ही है एंट्रेंस भी। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है जयपुर जंक्शन का मेन गेट, और अगर आप लेफ्ट साइड में सीधा उस तरफ देखेंगे तो वो देखिए सामने है जयपुर का मेट्रो स्टेशन, यानी जयपुर जंक्शन का मेट्रो स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का इजी एक्सेस है जयपुर के लिए। तो चलिए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर, और ये देखिए ये वेटिंग एरिया है जयपुर जंक्शन का, और यहाँ पे कुछ लोग हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ये किस चीज़ के लिए परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। खैर, आप देखिए सामने इस तरफ है बुकिंग ऑफिस और इस तरफ है प्लेटफॉर्म के लिए एंट्रेंस। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये देखिए, ये हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और हमारी जो ट्रेन है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। वो देखिए सामने ही हमारी ट्रेन खड़ी है। तो चलिए हम भी फटाफट से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और देखते हैं अपनी ट्रेन को। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और देखिए बिल्कुल सामने हमारी जो ट्रेन है वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों, हमारी ये जो जयपुर बेंड्रा एक्सप्रेस है ना, ये हर ट्यूसडे को जयपुर से 1:10 पर निकलती है, और अगले दिन सुबह 6:30 हमें बेंड्रा टर्मिनस पहुंचा देगी। इसके अलावा जो आप एक दो नाम और देख रहे हैं ना, तो ये हफ्ते में अलग 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 दिन अलग अलग रूट पर चलती है, रेक शेयर होता है इस ट्रेन का, इसलिए बहुत सारे नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये रहा आज का हमारा कोच, हम इसमें जर्नी करने वाले हैं। वैसे मैं यहाँ जयपुर एक फंक्शन में आया था, तो और भी लोग हैं जो कि B4 में हैं। तो ये फिल वक्त का ये कोच हमारा है, और ये देखिए 2014 का मैन्युफैक्चरिंग अगेन। तो चलिए चलते हैं, इसका भी इंटीरियर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा कोच AC 3 टीयर। इसका इंटीरियर, बेडशीट, रोल वगैरह सब मिलेंगे, कर्टन्स मिल जाएंगे, और सॉकेट वगैरह है देखिए बहुत सारे हैं। तो सारी नॉर्मल फैसिलिटी बढ़िया सी जो इसी 3 टीयर वाली रहती है वो मिल जाएगी आपको इसमें। और ये देखिए दोस्तों, तुगलकाबाद शेड का WAP-7 लोकोमोटिव हमें लीड करेगा, और ये कहाँ तक लीड करेगा ये पता नहीं, क्योंकि स्वाई मधोपुर पे जो है रेक रिवर्सल होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों, बिल्कुल अपने निर्धारित समय यानी दोपहर के 1:10 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हो चुका है, और 17:20 और 1150 किलोमीटर की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जर्नी में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, रेक रिवर्सल, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत सा दारा घाट, वो सब दिखाते हुए मैं आपको पहुँचाऊँगा मुंबई तक। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, जयपुर को जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये दिल्ली, रेवाड़ी, अजमेर होते हुए जयपुर के लिए आई है, और हम जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं
वो सवाई माधोपुर की तरफ जाएगी। और ये जो ट्रेन है ये है दिल्ली सराय रोहिला बैंड्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि न्यूली एलएचबी हुई है। इसकी भी पूरी जर्नी मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, 7 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। जी हां दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन जयपुर का ही रेलवे स्टेशन है और जयपुर का ऐसा रेलवे स्टेशन है जैसे मुंबई के लिए दादर। क्या हो गया अंकल, अचानक ब्रेक मारा एकदम? तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है 1:42 और आपने देखा कि किस तरह हाई स्पीड जो स्किप था वो अचानक से सडनली ब्रेक में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्यों हुआ सामने आप देखिए, बहुत सारे लोग, भीड़ जमी हुई है, क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने वो क्या नाम है स्टेशन जो थे वहाँ पे उनसे भी पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने भी बताया पता करना पड़ेगा। खैर, आई होप कि कुछ बुरा ना हुआ हो, जैसा भी रहेगा आपको आगे अपडेट देते हैं। सो फाइनली दोस्तों, 4 मिनट के होल्ड लेने के बाद हम लोग यहाँ से फाइनली डिपार्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है ये कोई टेक्निकल इशू था, कुछ तो टेक्निकल इशू हुआ होगा, इसके अलावा कोई दूसरा इशू नहीं था। तो सिर्फ 3-4 मिनट में वो ठीक हो गया और हम यहाँ से आगे की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो डरने वाली मतलब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 2:47 और हमें देवपुरा रेलवे स्टेशन जो कि सवाई माधोपुर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पहले ही है वहाँ पे हमें लूप लाइन पे लगा के रोक दिया गया है और हम यहाँ पे पहुँचे हैं अराउंड 20 से 25 मिनट पहले ही। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि जयपुर से सवाई माधोपुर तक की जो हमारी लाइन है वो सिंगल लाइन है, इसीलिए कोई ट्रेन को अगर क्रॉसिंग देना हो या हमें निकलना हो तो लूप लाइन पे एक ट्रेन को लगना ही पड़ेगा, इसीलिए हमें लूप लाइन पे लगा दिया गया था। तो दोस्तों, अभी कुछ वक्त में हम पहुंचने वाले हैं सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये देखिए, ये जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं ना, ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट रेल रूट जो है ना उसके ट्रैक्स हैं, यानी मुंबई न्यू दिल्ली मेन लाइन की ये ट्रैक्स हैं। और अभी यानी सवाई माधोपुर पहुँचने के बाद हमारा एक रिवर्सल होगा और हम इसी ट्रैक्स को ज्वाइन करके मुंबई पहुँचने वाले हैं। सो फाइनली दोस्तों, 132 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से दो लाइन जाती है, एक सवाई माधोपुर जयपुर लाइन और एक सवाई माधोपुर मुंबई न्यू दिल्ली मेन लाइन। तो इसके अलावा ये जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है हमारी ट्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन का जो है रेक रिवर्सल होगा, यानी हम रिवर्स डायरेक्शन में मुंबई की तरफ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं सवाई माधोपुर जगह की बात करूं तो ये बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल जगह है और क्या नाम है, अपने स्ट्रक्चर्स फोर्ट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ इको टूरिज़म के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी यहीं पर ही है। और ये देखिए दोस्तों, लोको रिवर्सल यहाँ पर नहीं हो रहा है, रेक रिवर्सल होगा लेकिन लोकोमोटिव चेंज हो चुका है, तुगलकाबाद का ही WAP-7 लगा हुआ है लेकिन चेंज हो चुका है लोकोमोटिव। अगर आपको चाहिए तो आप जाके नंबर चेक कर लीजिएगा दोनों लोकोमोटिव्स का। और ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मेन लाइन ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये देखिए जो आप सिंगल ट्रैक देख रहे हैं यही ट्रैक से होते हुए हम जयपुर से सवाई माधोपुर तक पहुंचे हैं। यहां से अब हम रेक रिवर्सल हुआ हमारा और अब हम सीधा मुंबई की तरफ पहुंचेंगे 130 की हाई स्पीड लेते हुए।
सो फाइनली दोस्तों 240 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस जर्नी के, अपने इस रूट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन यानी राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो आई है कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से कई लाइन जाती है। एक लाइन मुंबई न्यू दिल्ली मेन लाइन, एक लाइन है कोटा बीना वाली लाइन, और एक लाइन जो है वो कोटा चित्तौड़गढ़ की तरफ जाती है। इसके अलावा ये देखिए खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। सामने आप देखिए जोमेटो वाले भैया भी दिख रहे हैं, यानी ई केटरिंग जो आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करेंगे वो भी आपको यहाँ पे सहूलत मिल जाएगी। Thank you.
सो फाइनली दोस्तों 312 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान के रामगंज मंडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो मुंबई न्यू दिल्ली मेन लाइन है और एक लाइन यहाँ से झलावर सिटी की तरफ जाती है जो कि आगे भोपाल तक जाएगी पर अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और इसके अलावा ये रेलवे स्टेशन NSG-4 कैटेगरी में आता है। सो दोस्तों 340 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान के भवानी मंडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये एक बहुत ही अनोखा रेलवे स्टेशन है और ये अनोखा इसलिए है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है ना आधा राजस्थान में आता है और आधा मध्य प्रदेश में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही रेलवे स्टेशन है और हम इस रेलवे स्टेशन में एंटर हुए थे, राजस्थान में थे और जब ये रेलवे स्टेशन से निकलेंगे तो हम मध्य प्रदेश में जा चुके रहेंगे। तो इसलिए ये रेलवे स्टेशन है ना बहुत अनोखा हो जाता है।
सो फाइनली दोस्तों 465 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये नागदा जंक्शन है क्योंकि एक लाइन जो आपने देखी उज्जैन की तरफ जाती है और एक लाइन तो मेन लाइन मुंबई न्यू दिल्ली मेन लाइन। इसके अलावा ये नागदा जो जगह है ये उज्जैन में आता है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश में अभी फिल वक्त है हम लोग। और ये नागदा है ना ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है तो इसलिए रेलवेज की तरफ से मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़, खाने पीने की फैसिलिटीज़, ये देखिए यहाँ पे भी जोमेटो वाले जो भैया हैं वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो ई कैटरिंग वाली जो फैसिलिटीज़ है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो फाइनली दोस्तों 506 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 9 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इस जर्नी अपने इस रूट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन यानी मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो इंदौर की तरफ जाती है, एक लाइन चित्तौड़गढ़ की तरफ जाती है और एक लाइन मुंबई न्यू दिल्ली मेन लाइन। और बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, आई थिंक सो ए प्लस कैटेगरी का है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे रेलवेज की तरफ से मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी।
सो फाइनली दोस्तों 620 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 9 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं गुजरात के दाहोद रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन आता है अंडर रतलाम डिवीज़न। और इसके अलावा ये रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म है, और बहुत जल्द ही ये रेलवे स्टेशन है ना वो जंक्शन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो इंदौर के लिए निकल रही है पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
तो दोस्तों ये देखिए, अभी वक्त हो रहा है रात के 11:45 और हम लोग पहुंचने वाले हैं वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और हम लोग अभी फिलहाल वडोदरा जंक्शन के आउटर पे खड़े हैं और हम लोग बिफोर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 20-22 मिनट बिफोर। तो इसीलिए हमें लूप लाइन पे लगाया गया है और ट्रेन जो हैं वो ओवरटेक करके जा रही हैं, जो हमसे पहले आने वाली ट्रेन हैं। तो देखते हैं हमें कब यहाँ से निकालते हैं। चलिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 10 मिनट लूप लाइन पे लगे रहने के बाद फाइनली हम लोगों को आगे के लिए सिग्नल मिल गया है और आपसे अब सीधा मिलते हैं वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सो फाइनली दोस्तों, 767 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही हम लोग आ चुके हैं गुजरात के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे बिजीएस्ट रेलवे जंक्शन, यानी गुजरात के वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से ना दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जाती है, एक मुंबई न्यू दिल्ली मेन लाइन और एक मुंबई अहमदाबाद मेन लाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए, इस तरफ से दौंद इंदौर एक्सप्रेस जो है, इंदौर दौंद एक्सप्रेस जो है वो डिपार्ट हो रही है और आगे ये दौंद की तरफ बढ़ रही है। तो इसके अलावा दोस्तों, एक ए प्लस कैटेगरी का ये रेलवे स्टेशन है, तो खाने पीने की और रिटायरिंग रूम वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे, यानी रात के 12:18 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर गुजरात के वडोदरा जंक्शन से हो चुका है। और अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आगे दिखाने के लिए भी इतना कुछ खास है नहीं, दिखेगा ही नहीं तो क्या दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और सुबह आपसे मिलते हैं जहाँ पे भी आग खुलती है। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है सुबह के 5:40 और हम लोग 1130 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं अपने सेकंड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट, यानी मुंबई के बोरेवली रेलवे स्टेशन। और ये देखिए दोस्तों, फिल वक्त अभी हम लोग हैं बोरेवली रेलवे स्टेशन पे। और ये देखिए, हमारे ही ट्रेन के कोई पैसेंजर्स थे, वो एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे थे, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ अनकंट्रोल्ड हुआ होगा और वो देखिए लोग वहाँ पे गिर गए हैं और बहुत सारे लोग गिर गए हैं। तो ये सारी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बच्चों को संभाल के लेके चलें और कोई एल्डर हो ना तो प्लीज़ उनके साथ कोई जाए।
सो फाइनली दोस्तों 1150 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन। और ना भाई, इस ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ये ज़बरदस्त ट्रेन थी, ऑन टाइम निकली, बिफोर टाइम पहुँचाई, और ओवरऑल जर्नी जो रहेगी ना वो मतलब बीच में कोई अनशेड्यूल्ड हॉल्ट नहीं, 130 की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को मेंटेन करते हुए ये ट्रेन यहाँ तक पहुँची है। तो रेल फैनिंग और हाई स्पीड रन का मज़ा भी इस ट्रेन में ज़बरदस्त आया है। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है, कंफर्टेबल भी थी, खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े बड़े जंक्शन से होते हुए आती है, तो बढ़िया जर्नी होने वाली है आपकी इस ट्रेन में अगर आप करेंगे। इसके अलावा आपने भी अगर ये जर्नी यहाँ तक देखी है तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये जर्नी कैसी लगी और अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन और हम दोनों ही पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो इसी के साथ ये वीडियो और जर्नी दोनों होती है समाप्त। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।